तो ये चल गया अपना ब्यूटेन, ये डाल दिया हमें चिकन रेड़ा, ट्रैक शुरू हो गया अपना। बारिश में थोड़ी दिक्कत हो गई थी तो 500 मीटर इसमें 4 या 5% आ जाएंगे आराम से। ये कैसे फूल जाते हैं हाई एल्टीट्यूड में इतने? ये देखो, ये ज्यादा फूल रहा है, ये कम फूल रहा है, कम लगा ही रहा तू। तो ये आ गई हमारी चाय। पहाड़ों में तो चाय वैसे भी टेस्टी लगती है भाई। जंगल जितने खूबसूरत होते हैं उतने खतरनाक भी होते हैं, किसी भालू का काम भी हो सकता है और पहाड़ी तेंदुओं का भी। गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल। काफ़ी टाइम बाद मिल रहे हैं फ्रेंड्स से, टाइम मिलता नहीं बिजनेस के चक्कर में। और आज हमने टूर बनाया है काफ़ी ही ब्यूटीफुल प्लेस का, जिसका नाम है ततौनी, ततवानी भी बोलते हैं इसको, गूगल में सर्च कर सकते हो आप। और यहाँ पे जो है वो मणिकरण के जैसे ही गर्म पानी निकलता है, एक साइड से मतलब ठंडा आता है, एक साइड से गर्म पानी आता है। तो वहाँ का हमारा ट्रैक है, पहले गाड़ी में हम चले पालमपुर से, यहाँ प्रोजेक्ट रोड है ऊपर बैजनाथ से ऊपर पपरोड़ा से, तो वहाँ तक गाड़ी जाती है 20-25 किलोमीटर, उसके बाद ट्रैक शुरू होता है। अभी रास्ते में रुके हैं, गाड़ी है हमारी इधर और वहाँ पे बॉडी है साइड में, अभी कुछ खाने को बना रहे हैं, उसके बाद शाम को ट्रैक करेंगे शुरू अपना। हाय एवरीवन, ये हमारे भाई हैं गगन भाई, काफ़ी दिनों बाद मिले आज हम, और बहुत अच्छा लग रहा है। हम घूमने हैं ततवानी में, जैसा कि इन्होंने बताया अभी, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग जो ये ट्रिप होने वाला है, तो आप हमारे साथ बने रहिएगा, आगे आपको और रोमांचक और खूबसूरत वादियों से मिलाएंगे। जाएंगे आज हमने निकाल लिया सामान थोड़ा सा, यहाँ पे चिकन मैरिनेट करेंगे, चिकन राड़ा बनाएंगे थोड़ा सा, चावल डालेंगे साथ में बिरयानी, क्योंकि सफ़र है अभी तक लंबा। और यह है पानी का सोर्स, नेचुरल वाटर। वाह क्या बात है, ठंडा पानी है ना पूरा साफ। ये हमारा चिकन, ये चल गया अपना ब्यूटेन, ये हमने ऑनलाइन मंगवा लिया था नया, क्योंकि आग जलाने में प्रॉब्लम आती है पहाड़ों में कई बार। इधर चिकन हो गया साफ, इधर हो रहा है मैरिनेट, दो टाइप का चिकन बन रहा है, एक राड़ा और दूसरा फ्राई। ये तेल डाल दिया हमने, गर्म हो जाएगा अभी 2 मिनट में। मिलिए गोल्डी भाई से, पहले भी देखा होगा आपने एक दो ब्लॉग में, इधर अपने अनुज भाई, पहले हम रोड वाले ब्लॉग पे मिले थे, और ये भाई ये पहली बार आए हमारे पास। सुरजीत जी अब दिखाते हैं आपको गर्मा गर्म चिकन कैसे निकलता है। ये डाल दिया हमने चिकन फ्राई होने के लिए, मैरिनेट करके। ये हो गया चिकन फ्राई, काफ़ी टेस्टी बना है, अभी टेस्ट किया हमने, थोड़ा सा मजा आई। ये गोल्डी भाई फ्राई करते हुए इधर, ये अपना मज़ा जंगल में खाना बनाने का, और खाना टेस्टी भी बनता है जंगल में काफ़ी। ये डाल दिया हमें चिकन रेड़ा, थोड़ी देर में ये भी बन जाएगा, फिर चलते हैं आगे खाना खा के। तो इधर बन रहा है हमारा चिकन रेड़ा, और मैं बना रहा हूँ दही रायता। दही में अनार डाल के थोड़ी सी डालेंगे भजिया, और एक नंबर रायता बनाएंगे, और नमक भी हम देसी लाए बैजनाथ से, काला नमक है ये, सेंधा नमक बोलते हैं इसको। फिर दिखाते हैं आपको रायता कैसा बनता है। तो हो गया अपना लंच, अभी चिकन राड़ा बनाया, थोड़े से रोटियां लाए थे हम घर से परांठे, और थोड़ा सा हमने किया फ्राई। अब जो पीछे वाली गाड़ी आ रही है हमारी, 4-5 बंदे उसमें हैं, उनके लिए हम बना रहे हैं चावल, क्योंकि चिकन हमारे पास बचा है ऑलरेडी राड़ा। और ये कुछ लोकेशन यहाँ पर ब्यूटीफुल देखो, और अभी भी हमारा आधे से ज़्यादा ट्रैक जो है वो बचा हुआ है। फिरी
पहुंच गए हम लास्ट स्टेशन पे, जहां से हमारा पैदल ट्रैक शुरू होगा। बट यहां पे हो रही है अभी बारिश, अब बारिश में देखते हैं ट्रैक कैसे शुरू होगा हमारा, क्योंकि गाड़ियाँ लगा दी हमने ये साइड में। एक गाड़ी हमारी वो लगी है करेटा, और सामान निकाल रहे हैं इधर बाहर, और वो जो सामने पहाड़ी है यहाँ पे हमारा ट्रैक शुरू होगा। 3 घंटे का ट्रैक है, 2.5 से 3 घंटे का ऊपर, और ऊपर फिर तत्ता पानी और खाना बनाने की जो लोकेशन है वो ऊपर ही सारी। ये देखो भाई गाड़ी, ये भाई निकाल रहे हैं अपना सामान दिल्ली से। क्या क्या सामान लाए हो अभी आप भाई जी? हमारे पास मैट है, हाँ, जो टेंट के अंदर लगाएंगे, और ये बैग है अपना अपना सामान, गर्म कपड़े, ब्लैंकेट वगैरह इसमें लगा ना खाने के लिए। ये हो रहा है सामान पैक ऊपर जाने के लिए, और ये हो रहा है आगे टूरिस्ट ऊपर। ये गाड़ी पहले से गई है HP 22, यहाँ पे स्पेस बहुत कम है गाड़ी लगाने के लिए, ऊपर से बारिश का माहौल बना हुआ है। ट्रैक शुरू हो गया अपना, पीछे देखो गैंग सारी वो आ रही है, क्योंकि 2.5 से 3 घंटे का ट्रैक है ये, और काफ़ी जो है वो डेंजरस ट्रैक माना जाता है इसको, क्योंकि इस ट्रैक में कोई कैफ़े कोई दुकान नहीं है, और ख़ुद बना के खाना पड़ता है, बस गर्म पानी का सोर्स है ऊपर, आप नहा सकते हो। प्रोजेक्ट सामने, बिजली बनती है यहाँ पे, और इस प्रोजेक्ट से आगे जो है वो ट्रैक शुरू होता है ये वाला, यहाँ से कुछ ऐसा रास्ता प्रोजेक्ट के पीछे से जाता, और ऊपर आते हैं काफ़ी बड़े बड़े जंगल और पेड़ दिखाता हूँ मैं आपको। ट्रैक बिल्कुल स्टीप, खतरनाक ट्रैक, ऊपर से बारिश हो रही है, शाम को पहुँचेंगे 7-8 बजे तक। वहाँ नीचे से आए हम प्रोजेक्ट से, और मेन बात क्या है, हिमाचल की नगरी में बोले संत रघुवीर की है, माता हमारी है, हमारे बोले शंकर मेन है ना, जड़ी मारी पार्वती माता है, एक तो हमारे कभी गंगा कभी ज्वाला जी, जड़ी ज्वाला निकली है, तत्ता पानी निकली है, गर्म पानी है, तत्ता पानी वो निकली से नहीं है, बोले शंकर ते शिव ने पार्वती जो नहीं कंस में आता था। अरे मान लो ये मत तो ऐसा कुछ रास्ता, बीच में पक्का भी है बट है पूरा स्टीप, ये देखो भाई। तो ये दिखता है फर्स्ट व्यू 1 किलोमीटर की हाइक के बाद, क्योंकि 4 से 5 किलोमीटर का ट्रैक है ये, तो फर्स्ट स्टेज है वो यहाँ पे होता है। ये देखो आप नज़ारा व्यू, ये लगी है गाड़ी हमारी नीचे। ऐसा कुछ व्यू अभी लग रहा है यहाँ पे टेंट, क्योंकि बारिश हो गई ज़्यादा, आगे जा नहीं पाए, आगे जाएंगे हम मॉर्निंग में, क्योंकि वो जो बादल है सामने वहाँ पे है वो नहाने वाला पॉइंट गर्म पानी का। फिलहाल नाइट स्टे कर रहे हैं यहाँ पे, यहाँ पे लगा रहे हैं हम अपनी टेंटिंग, खाना बनाएंगे शाम को यहीं पे, और करेंगे इंजॉय। बड़ी मुश्किल से ये चढ़ाई चढ़ी हमने, और
ऊपर से बारिश ने बहुत पंगा डाल दिया था, बारिश में थोड़ी दिक्कत हो गई थी, तो 500 मीटर हमारा टेंट ये बड़े वाला टेंट है, इसमें 4 या 5% आ जाएंगे आराम से, और इसके बाद लगेगा मेरे वाला टेंट, उसमें आ जाते हैं 3%, तो आ जाएंगे 8-10 बंदे आराम से। वही जिम्मेवार है इसकी, मेरे वाले बैग में कुकर, टेंट, स्लीपिंग बैग, दाल मटन पूरा इसी में बस। ऐसी लोकेशन दो बंदे के नाम बता दो, लकी रॉकी सनी, लकी रॉकी सनी जेड़े बच्चे ते दाहने दोस्तों दे नाम ना रहो। ये एक और आ गई टीम, अगर स्टे करना है ना आपने तो यहाँ बात कर लो, नहीं तो सीधे ऊपर ही चले जाओ, क्योंकि कल बंदे ज्यादा गए हैं ना, कल ऊपर हट वगैरह बिजी होंगे सारे, तो यही बना लो कहीं जुगाड़, नहीं तो नहाने के लिए सुबह चल पड़ेंगे धूप में। ग्रुप ज्यादा आ गए आज, वो देखो भाई लकड़ी ऊपर जा रही है, अपना अपना अरेंजमेंट कर रहे हैं सभी बंदे। इधर भी है जगह, अगर बारिश होती है तो मैं आपको दिखाता हूँ, छोटी सी केव है यहाँ पे खाना बनाने के लिए, केव क्या ऐसे बस ओपन ही है, ये दिखाता हूँ, यहाँ पे आप लकड़ी जला के अपना खाना बना सकते हैं जंगल में। ये देखो भाई काफ़ी अच्छी स्पेस है, यहाँ पे पानी नहीं आएगा, आग जल जाएगी और खाना बन जाएगा आराम से। ये पहले भी बनाया किसी ने, पर यहाँ पे बस एक रिस्क है कि ये देखो भाई नीचे नीचे खाई बहुत ज़्यादा है बड़ी, और वहाँ से हम आए प्रोजेक्ट से, रास्ते में रुके जंगल में, बिल्कुल जंगल के बीचों बीच, और आगे परली साइड दिखाता हूँ मैं लोकेशन, बैठने के लिए तो एक नंबर जगह, आगे तक यहाँ से पैदल ट्रैक मारो वो सामने चले जाओ, कहीं भी व्यू और वेदर एक नंबर है यहाँ पे। अभी जैसे नीचे पालमपुर या वैजनाथ में टेम्परेचर होगा 26-27 का, तो यहाँ पे है 15 या 18 का, इससे कम ही होगा 10 या 12 का। ये देखो भाई ऐसी कुछ लोकेशन, और एक और केव है वो सामने गुफे, गुफा वो वहाँ पे बैठना हो तो वहाँ पे बैठ सकते हैं, खाना बना सकते हैं अपने। हम ये जल गई अपनी आग, अब करते हैं खाने की तैयारी, मौसम हो रहा ख़राब। अभी हो गया अंधेरा, और ये देखो भाई टेंट वो सामने जल रही है, प्रोजेक्ट की लाइट, ऊपर से बिजली जो पानी आ रहा है ऊपर नीचे प्रोजेक्ट के लिए, उनका ऑफिस है ये सामने, और नीचे बन रहा है हमारा खाना, यहाँ पे दिखाता हूँ। ये टॉर्च भी लाए हम रात के लिए, और ये है रात को कैफ़े, अगर खाना आपने यहाँ बनवाना तो खाना बन जाएगा, सो भी सकते हो, और ये टॉर्च की रेंज देखो आप अपनी आग भाई, और डाल दिया मटन, ढक्कन खोलना जरा, ढक्कन खोलना भाई, ये मटन बन रहा है अपना, क्या बात है, और प्योर देसी तरीके से बन रहा है, देसी तरीके से, बस थोड़ी देर में मटन रेडी, ओके बिस्तर लग गया। वाह वाह वाह,
जम रही है महफिल। ये है मंटू भाई, अपने नगमा सुनाएंगे अच्छा सा कोई। भाई ब्लूटूथ दोबारा बंद कर दो। एक मिनट, हाँ ये बंद कर दो यार, एक बंद कर दो। अकेले और बकरे भी हो गए बेले। मंडू भाई छोटा सा जरा एक छोटा सा रस ले आऊंगा तो गाना। ले चल हमें यहाँ से, ले चल हमें यहाँ से, किस काम की ये दुनिया जो जिंदगी से खेले रे, हमको भी साथ ले हम रहे अकेले। संभल जा जरा फिर मुहब्बत करने चला है तू दिल। बिहार का फेमस है ये, मैंने कुछ ऐसा सुना नहीं, इसलिए बिहार वाला बंदा बिठाया हमने वहीं। स्मोकिंग दे ना अड़े मुड़ नहीं आए जानी दूर गए बिछड़ गया मेरे दिल दा जानी बिछड़ गया मेरे दिल दा जानी कोई मोड़ ले आवे इंज बिछड़े मुड़ नहीं आए। जा यार सारियां सैया जाओ नी मेरे माही दा दर्द बंडाओ नी, तुसी सारियां सैया जाओ नी मेरे माही दा दर्द बंडाओ नी मेरे माही। एक खैर मंगा तेरे दम दी अज भी है और कल भी रहेगा। यार निकल जाए दीवे कोलो लो हो सकता है वक्री हो जाए फुल्ला तो खुशबू दीवे कोलो लो हो सकता है बकरी हो जाए फुल्ला तो खुशबू हो नहीं सकता मेरा बकरी तोरा होवे मटन तो बन गया हमारा, चावल की चल रही तैयारी पानी डाल रहे वो टूट जाएगी घड़ी प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी फिर से रिपीट भाई दो लाइन। कवि ने कुछ ऐसा गाना गाया है कैसे छलकत हमरो जवानी ए राजा ऐसे पलटी के पनिया डाली अब डाली आओ पकड़ लूं बस यही लाइन है बाकी का लाइन नहीं।
गाइस, तो आज है हमारा दूसरा दिन और अभी बज रहे हैं मॉर्निंग के 5:17 और अभी है पहाड़ों का कुछ ऐसा नज़ारा, या देख सकते हो ये हमारे टेंट। दो टेंटों में बंदे सोए रात को, 9, एक में 4, एक में 5, दो बंदे एक में, 3 एक में, वो 3 बंदे हमारे वहाँ नीचे जहाँ खाना बनाया था वहाँ पे बैठे हैं। सनराइज भी हो गया भाई, सब उठ गए बंदे अपने, आगे जा रहे हैं, जो जरूरी सामान है वो ले जाएंगे, बाकी टेंट में रहने देंगे क्योंकि अभी भी 2 किलोमीटर का रास्ता और बचा है और दिन है हमारा दूसरा और यहाँ पे व्यू। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, कैसी रही रात टेंट में? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, नींद आई पूरी, शीट है बिछा दी थी दोनों। और गोल्ड भाई बसली भी मैं किसका छीन लिया था आपने? मेरा स्लीपिंग बैग गायब कर दिया रात को। मेरा पूरा ध्यान रखा उसके लिए, बहुत धन्यवाद। तो चलते आगे का सफर शुरू करते हैं। बिल्कुल ऊपर वाली पहाड़ी पे आप देखो, यहाँ पे हिमालयन शेफर्ड जो अपनी बकरी भेड़ चरा रहे हैं, ये देखो भाई, अगर दिख रहा होगा आपको कैमरे में क्लियर, तो ये देखो। तो ऐसी लाइफ होती है पहाड़ों की, जिनको बोलते हैं हिमालयन शेफर्ड गद्दी, जो ट्राइब्स होती हैं जंगलों में रहती हैं और ऐसे काम करते हैं ये भेड़ बकरी वाला। और इधर हो चुका है सनराइज़। तो देखो गाइज, ऐसा है रास्ता आगे का, ब्यूटीफुल लोकेशन और एडवेंचरस रास्ते, जिनमें रास्ते नहीं होते, बस ये ऐसे होते हैं देसी रास्ते जो भेड़ बकरी के लिए बनाए जाते हैं, क्योंकि ऊपर कोई दुकानें होटल तो होते नहीं। एडवेंचरस लाइफ के लिए अपने टेंट, अपना खाना, अपना स्टोव चूल्हा लेके चलना पड़ता साथ में। हम भी लाए थे अपना एक स्टोव, सिलेंडर बट एक ख़त्म हो गया, एक से काम नहीं चला, और फिर उसके बाद हमने जलाई रात को आग। और वो नीचे प्रोजेक्ट की आ रही है पाइपलाइन, जो नीचे पानी जा रहा है फ्लो में और बिजली बनती है। फिर कैफे खुला है ऊपर, खुला कैफे, अच्छा खुला तो है। ये बंदे वापस आ रहे ऊपर से जो रात को गए थे कल, और ये पानी भाई देखो, ये पानी आ रहा है बिल्कुल प्योर पहाड़ों से, और इसी पानी में मिक्स होकर गर्म पानी भी आता है ऊपर से। ये पहले पुली जो थी, यहाँ पे पत्थर थे, पुली नहीं बनी थी, पुली बन गई है, पत्थर क्रॉस करने पड़ते थे यहाँ पे, अब रास्ता ठीक हो गया। यहाँ पे कर लेते हैं अपना ब्रश वगैरह, मुंह धो लेंगे फिर निकलेंगे आगे को। यहाँ चल रहा है वॉशरूम का काम, तो भाई जंगल जितने खूबसूरत होते हैं उतने ख़तरनाक भी होते हैं, क्योंकि इन जंगलों में होते हैं भालू और पहाड़ी तेंदुए। ये देखो, अब ये शिकार किया है किसी बैल या गाय का, ये देख सकते हो आप, और ये किसी भालू का काम भी हो सकता है और पहाड़ी तेंदुओं का भी, क्योंकि ये स्कल्प जो है वो ऊपर से आया पानी में बह के ऊपर वाले पहाड़ों से। यह है कैफे एक रास्ते में, और यहाँ पे चाय पानी मिल जाता है पूरा। अरे भाई गरम चाय, गरम चाय, गरम चाय, 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 चाय। और यहाँ पे देखो सामने
कितना बड़ा पत्थर गिरा नाले में पहाड़ी से। अगर रास्ता हो नीचे से तो कुछ नहीं बचेगा किसी का। ये देखो भाई कितना बड़ा पत्थर गिरा है। अब चलते कैफे में, पीते चाय कॉफ़ी कुछ और फिर करते हैं शुरू आगे का सफ़र अपना। तब तक इधर दिखा व्यू दिखाता हूँ मैं आपको। साइड में ये रास्ता जाता है सीधा नाले के लिए। अगर नीचे से है कुछ लकड़ी वगैरह पानी वगैरह लाना है तो कैफ़े के पीछे से रास्ता है। और ये है वो सब्ज़ी जो देसी मिलती है पहाड़ों में, लुंगड़ू बोलते हैं इसको। ये लगा एक बूटा, ये लगते हैं ठंडे एरिए में जहाँ पे छाया ज़्यादा होती है। ये देखो आप ये वाला जैसी ये लगा एक, इसकी सब्ज़ी बनती है। बट इसको तोड़ना पड़ता है जब ये छोटा छोटा होता है, अगर लंबा हो जाएगा तो इसमें पत्ते आ जाते हैं। ये देखो ये भी लगे 3-4। ये ऊपर तो देखेंगे अगर होगा तो ले आएंगे। ये भी ये नेचुरल सोर्स पानी का, नाले से पानी पीने वाला। और ये कैफे की यस बन गई चाय भाई, चाय बस भैया बन रही है। ये क्या है सोलर सिस्टम? सोलर सिस्टम गर्म हो गया यार। तो ये है भाई कैफे का नाम साइलेंट हिल कैफे। अगर आपको आना है तो आधे रास्ते पे यही मिलेगा, इसके आगे कोई कैफे नहीं है। फिर सीधा तत्ते पानी का सोर्स है और नहाने वाला सिस्टम पूरा। है भाई बोल्डी भाई तो बताओगे ये कैसे फूल जाते हैं हाई अल्टीट्यूड में इतने? तो ये देखो ये ज़्यादा फूल रहा है, ये कम फूल रहा है, उसने कम लगाई रात को। ये देखो कितना फूल गया, इसकी हवा निकालेंगी ऐसे। तो ये बताना था ना, एक्सप्लेन करना, तो गैस बनती होगी कोई? ये हाइट पे आने पे बन जाती है। अब क्या खा के बताता हूँ, टेस्ट वैसा ही है जैसा होता है। गोल्डी भाई खा के बताएंगे टेस्ट। टेस्ट अच्छा है, थोड़ा थोड़ा आलू की तरह आ रहा है। आलू नहीं है पर आलू लग रहा है मुझे। तो ये आ गई हमारी चाय, और पहाड़ों में तो चाय वैसे भी टेस्टी लगती है। ये देखो भाई गिलास भी काफ़ी अच्छे हैं इनके, कप स्टील के कप हैं, जल्दी ठंडी नहीं होती इसमें। ये देखो भाई सिस्टम चलता है पहाड़ों में, बैटरी को चार्ज करके म्यूजिक भी चल रहा है। जंगा धाम तेरा जब लेता। ये देखो पेड़ भाई क्या क्रिएशन है पेड़ की। ऐसा है कुछ रास्ता, खूबसूरत ऑक्सीजन कंप्लीट बिल्कुल साफ, और पानी भी उससे भी ज़्यादा क्लीन। बस यहाँ पे चलने का है, ट्रैकिंग अगर नहीं आती है तो आराम से चलें क्योंकि रास्ते वैसे ही हैं कुछ, बाकी किसी चीज़ की कमी नहीं है।
काफ़ी अच्छा लगेगा आपको यहाँ पे आके। यहाँ पे इस वाले ट्रैक पे ये एक हिडन ट्रैक है तत्ता पानी का, क्योंकि गर्म पानी का स्रोत है यहाँ पे। तो अब तो यहाँ पे ऑल इंडिया से टूरिस्ट आते हैं। कल हमें टूरिस्ट मिले थे, वो साउथ इंडिया से आए थे, दो लड़कियाँ तीन लड़के। और तो देख लो भाई, हिमाचल के लोग यहाँ कम आते हैं, और दिल्ली, साउथ इंडिया, राजस्थान, गुजरात से काफ़ी ज़्यादा टूरिस्ट यहाँ पे विज़िट करके जाते हैं। तो अब पहुँचने वाले हैं हम लोकेशन के बिल्कुल पास, वो हट से दिख रहे होंगे आपको। यहाँ पे निकलता है एक साइड गर्म पानी और दूसरी साइड ठंडा, और उसको मिक्स किया गया है एक तालाब में, और खड्ड में भी नहा सकते हो आप डायरेक्ट। तो ये पहुँच गए हम भाई तत्ता पानी, गर्म पानी का सोर्स हिमाचल में बैजनाथ से ऊपर, और मेन वाला जो मणिकरण में आपको पता ही होगा, वहाँ पे नहाएंगे हम सामने। और रात को आना अवॉइड ही करें, क्योंकि जंगली जानवर होते हैं रास्ते में, भालू और तेंदुए। वैसे तो स्ट्रीट लाइट लगी हैं बीच बीच में, पर फिर भी सेफ्टी का कोई सोर्स नहीं है यहाँ पे। और क्योंकि प्योर जंगली रास्ता ही है, तो चलते हैं आपको लेके प्रॉपर, और वहाँ पे डायरेक्ट दिखाते हैं आपको स्नान। ये भाई रात को आ गए थे ऊपर, उन्होंने लगाए थे यहाँ टेंट। यहाँ पे ऐसे शेड बने एक दो, वो नीचे दो भी हैं, अगर इमरजेंसी आप रात को आते हो तो रुक सकते हो। अब ये देखो भाई, ये साथ में मंदिर, यहाँ पे माथा टेको, नहाओ पहले। ऐसा भाई कुछ रास्ता, अब थोड़ी मन को शांति मिली है, गर्म पानी से नहाएंगे। और ये देखो भाई, ये देसी घर बने हैं ऐसे, जिसमें आप आग जला सकते हो, रात को सो सकते हो, तो बारिश की पंगा नहीं जंगली जानवरों को डर नहीं। ये बना तालाब नहाने के लिए, वाह जी वाह, क्या बात है। है पानी ठीक है ना, ये तालाब भाई। और अगर आपको डायरेक्ट खड्ड में नहाना है तो वहाँ पे भी पानी मिक्स होता है। वो नीचे देखो धुआं निकल रहा है ना, वो वाली, ये वाला जो तालाब है छोटा सा नेचुरल, जिसको पहाड़ी में आड़ बोलते हैं, वहाँ पे भी नहा सकते हैं हम, वहाँ पे पानी मिक्स हो रहा है इस टाइम। और एक वो नीचे है, वहाँ पे पिछले साल एक लड़का मर गया था बेचारा डूब के, वो ज़्यादा थोड़ी गहरी है, वहाँ पे ना जाएं। तो ऐसा कुछ व्यू तत्ता पानी का, देख लो भाई नज़ारे, बारिश भी आने वाली ऊपर से। तो मैंने भाइयों को बोला, गेस्ट आए अपने, तालाब में क्यों नहाना, यहाँ पे नेचुरल मिक्स हो रहा है अपने आप ही। यहाँ पे एक साइड से गर्म आता है, एक साइड से ठंडा आता है। ये गर्म आ रहा ना, वो ठंडा आ रहा है सामने से। यहाँ पे बीच में मिक्स ही होता है ये सारे। ये वो देखो धुआं चल रहा है, इस साइड से गर्म पानी आता है, वो सामने से ठंडा, इसलिए बार हम यहीं नहाए थे। ये देखो भाई धुआं कैसे चल रहा है, ये भाईचारा भाई, मैंने कहा माहौल, कहाँ ज्यादा गर्म है, क्या चीज है, बिकू बोला हाँ बिकू तो लेंदे पानी लेंदे वीडियो शिमला के साथ। एक दो
सबका स्नान गर्म पानी में, मजा आ गया, संतुष्टि मिल गई सबको। एकदम से इतनी बारिश आई कि कान बंद हो गए थे हमारे। एक टीन की शेड के ऊपर इतनी जोर से पानी पड़ा, नहीं तो हम बाहर आने वाले थे, फिर हमें यहाँ नहाना पड़ा अंदर। यहाँ पे इसके ऊपर इतनी बारिश गिरी, तब फ़ोन भी जेब में था, निकाल भी नहीं सकते थे। और ये देखो भाई गर्म पानी कैसे धुआं उठ रहा है यहाँ से, सल्फर वाला पानी बोलते हैं इसको। देखो भाई नज़ारे देखो कुदरत के। एक बार आप विजिट करो, अगर ट्रैकर हो आप, ट्रैकिंग का शौक़ रखते हो घूमने का, तो एक बार ज़रूर विजिट करें, मज़ा आएगा आपको। अगर आप विंटर में भी आओगे तब भी यहाँ गर्म पानी मिलेगा आपको। तो देखो हमारे बंदे जा रहे हैं बस नहाने, आगे जाके भाई मिक्स, आगे जाके मिक्स बीच में, आगे वहाँ बीच में जाओ थोड़ा। देख लो भाई ऐसा मौसम हो रखा है, ऊपर नीचे धूप है भाई ना साइड, और ऊपर ओले गिर रहे हैं। साबूदाना तैयार है जितना मर्जी, ये देखो पूरा साबूदाना लग रहा है। देखो भाई पहाड़ों का मौसम, यहाँ पे ओले गिर रहे हैं, ठंडा मौसम है, 14-15 का टेम्परेचर, और नीचे बैजनाथ में धूप लग रही है। वो देखो यहाँ से बैजनाथ के नज़ारे दिखते हैं पूरे। ये देखो भाई ये बैजनाथ है नीचे, और वहाँ पे धूप है, तो ऐसा है कुछ माहौल पहाड़ों का। तो भाई सफ़र करके पूरा अपना फिर पहुँच गए वहाँ पे जहाँ पे टेंट था, और नीचे लगी हमारी गाड़ियाँ वहाँ पे, और ये देखो टेंटों का नज़ारा। कुछ मौसम हो गया फिर से ख़राब, हवा चल रही है बिल्कुल तेज, और वो देखो सामने नदी। तो रात को तो हो गया अच्छा प्रोग्राम मटन और चावल का, अब मॉर्निंग में बना रहे हैं हम मैगी, वेजिटेबल्स बची हमारे पास, मैगी के पैकेट पड़े थे, आग जल गई अच्छी, फिर मैगी खा के निकलेंगे घर के लिए। तो ये बन गई हमारी मैगी, चूल्हे का खाना देसी प्योर, माल बचा था हमने यूज कर लिया भाई खाने से भी। कौन सा खाई गया।